हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल डूइंग गुड। माय नेम इज़ अमन एंड आज मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर। ये एक अनदर लेक है जिसका नाम है दुबई एक्सपो 2020। ये लेक है मैनमेड और मैं आया हूँ सोनू के साथ। हेलो गाइस, तो एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पर, एक जगह है वहाँ से आप ये लेक को देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है क्योंकि साथ में एयरपोर्ट है, मखदूम एयरपोर्ट। तो अभी हम चलेंगे वहाँ पर और आपको दिखाएंगे हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। सो लेट्स गो। तो गाइस ये वो जगह है यहाँ से आप एक्सपो का जो ये लेक है इसका व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से आ सकते हैं आप और एक यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ पे भी दो कॉर्नर है, एक इस साइड है एक उस साइड है। आप देख सकते हैं वहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आई एम गोइंग देयर ओनली। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं एक जगह ये है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और एक उधर है मेरे पीछे। यहाँ से आप इधर का व्यू देख सकते हैं, इट्स रियली नाइस एक्चुअली। यहाँ पर प्रॉपर रोड नहीं है वहाँ जाने के लिए, काफ़ी सारी छोटी गाड़ियाँ जो है वहाँ पर स्टक हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर रेत है तो वो है हमारा जो लेक एक्सपो 2020 एंड इट्स रियली नाइस एक्चुअली। ये उतना बड़ा नहीं है जितना हम लास्ट टाइम गए थे लव लेक, दैट वॉज रियली ह्यूज। और ये यहाँ से एक्चुअली व्यू उतना नहीं दिखा रहा है जैसे उधर लिखा हुआ है एक्सपो 2020, वैसा व्यू नहीं दिखा रहा है। ड्रोन से आप देख सकते हैं बट ड्रोन यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि पास में एयरपोर्ट है एंड देर आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस हेयर। तो अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पर, थोड़ा सा हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे, थोड़ा फोटो वोटो निकालेंगे, इट्स नाइस। तो फिर हम वहाँ पर चलेंगे, देखेंगे कैसा है वहाँ पर। ओके तो गाइस हम लोगों ने यहाँ से तो फिनिश कर लिया, अभी हम लोग जाएंगे लेक के पास और हम लोग दिखाएंगे आपको वहाँ से। तो लेट्स गो। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ये एक्सपो लेक है जो, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर बहुत क्राउड है। मेरे को लगा नहीं था यार पब्लिक हर जगह पहुँच जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है एंड एग्जैक्टली ज़्यादा कुछ इंटरनेट पे था भी नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। अभी हम लोग पहले गाड़ी से राउंड लगाएंगे, जहाँ पर हमको सही लगेगा, जहाँ पर हमको लगेगा कि यहाँ पर उतरना चाहिए, हम लोग वहाँ पर उतर के फोटो लेंगे एंड लेट्स सी। या तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमें पता नहीं एक्चुअली हमें कहाँ जाना है। हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार कर दी और जा रहे हैं हम यहाँ से अंदर की तरफ। सोनू, डू यू नो वे टू गो? एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रही लोग यहाँ पर क्या कहाँ पर फ़ोटो निकाल रहे हैं, लोग किधर भी खड़े हैं फ़ोटो निकाल रहे हैं। इट्स नाइस एक्चुअली, पीसफुल फैमिली के साथ आ सकते हैं पिकनिक के लिए, बट अगर आप स्पेसिफिक जगह ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम बैठ के फ़ोटो खिंचाएं, ऐसा कुछ नहीं, आप कहाँ पर भी कहीं पर भी फ़ोटो निकाल सकते हैं। इट्स नाइस, काफ़ी सारा क्राउड है यहाँ पर एक्चुअली, आई विल शो यू। तो गाइस ये लेक यहाँ से स्टार्ट होता है ये पीछे से और वहाँ तक जाता है। ओके, काफ़ी दूर तक है बट जो हम लास्ट टाइम गए थे वो ज़्यादा कुछ बड़ा लेक था, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस एंड काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर एंड वो वाली जगह है वहाँ पर, वो उधर है वो जगह जहाँ पर हम लोग पहले खड़े थे, वहाँ से हम व्यू देखने की कोशिश कर रहे थे बट दैट वॉजेंट वेरी हाइट, सो हमें वहाँ पर इतना अच्छा व्यू नहीं आया। एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि ये पूरा ऊपर से व्यू आएगा जैसे ड्रोन का आता है, बट वैसा नहीं था, इतना ऊँचा नहीं है वो।
तो गाइज एक्चुअली हम लोग वहाँ से यहाँ आए हैं, बट एक्चुअली लोग पानी के बीच में जो छोटे छोटे पत्थर है ना, दैट वॉज वो बहुत स्लिपरी है, इन्हों बंदा गिरने का डर है वहाँ पर। और ये जो जगह बनी हुई है ना, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ कपड़ा सा लगाया, कुछ तो मटेरियल लगाया, इट्स नाइस, सॉफ्ट, पैरों के अंदर ज़्यादा पत्थर नहीं छुप रहे हैं, इट्स नाइस। यू नो वन थिंग, अगर आपके पास टाइम है ना, आप सोच रहे हैं कि कहाँ पर जाऊँ, तो ये जगह बेस्ट है एक्चुअली। यू नो लाइक अभी मैंने आपको जो दो तीन लेक दिखा दिए हैं, मैंने दो तीन जो आपको लोकेशन दिखाई हैं दुबई के अंदर है, जो दैट्स रियली नाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, एंड आई थिंक दिस वन इज़ ऑल्सो 24 आवर ओपन, आई थिंक, जहाँ तक मेरा आइडिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम टेबल नहीं था। एंड इट्स रियली ऑसम, वेरी क्लोज टू नेचर, वेरी नाइस, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं। इसका जो शेप है ना, एक्चुअली में आपको मिलेगा ऊपर से ड्रोन के साथ, और यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है अल मक्तूम वो पास में है, तो इसलिए यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है। बट इट्स वेरी नाइस एरिया, वेरी नाइस प्लेस, आई लव इट। तो गाइज़ अभी हम लोग थोड़ी दूर तक और जाएंगे, फिर हम चलेंगे वापस, फिर हम गाड़ी में ही एक राउंड लगा लेंगे। और यू नो एक और बात, बहुत फेमस बोल रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप स्लीपर पहन के आएँ, शूज़ पहन के ना आएँ, क्योंकि आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे अगर आपको चलना है पानी के अंदर या जो भी है। तो काफ़ी सारे इन्हों पत्थर छोटे छोटे हैं, बहुत चुभते हैं, बहुत पेन करते हैं, नहीं बड़े बड़े पत्थर भी, हाँ बड़े बड़े भी हैं, और पानी के अंदर भी अगर आपको क्रॉस करना है तो वहाँ पर भी आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो इस बेटर कि अगर आप स्लीपर में आते हैं, तो लास्ट टाइम जब मैं लव लेक गया था वहाँ पर मैं स्लीपर लेके गया था, बट इस टाइम पर मेरे को पता नहीं था एक्चुअली इन्हों लाइक क्या है सीन यहाँ का। तो ये भी लाइक सिमिलर ही है, बट इट्स लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यू नो ये एक्सपो को एक्चुअली प्रमोट करता है। या रेड डक्स टू, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स नाइस, वेरी नाइस। और अभी हमें एक और पानी का जो जगह है वो क्रॉस करनी है उधर जाने के लिए, और वो जगह है ये वाली। सोनू ऑलरेडी वहाँ पर है और मैं रास्ते में हूँ, एंड वाह वाह, जैसे इन्हों गर्मियों के दिनों में पानी के अंदर आप पैर रखते हैं ना, तो ऐसे दिल करता है अभी कपड़े खोल कर ना बस कूद जाऊँ पानी के अंदर। बहुत टाइम हो गया मैं स्विमिंग करने नहीं गया, यू नो लाइक अदरवाइज बिफोर मैं हमेशा जाता था, एंड इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, इन लोगों ने ये पूरा बनाया है जगह यहाँ पर, यू नो चलने के लिए, यहाँ क्रॉस करने के लिए ये अच्छा है। बाकी ये जो है ना, ये एरिया थोड़ा सा गहरा है, यू नो लाइक हो सकता है 2 फीट या 3 फीट हो, बट ये वाला जो है यहाँ पर अभी हूँ मैं, यहाँ पर इट्स वेरी ज़्यादा पानी नहीं है। और ये जो पेड़ है ना, ये एक्चुअली मैंने पता किया था काफ़ी टाइम पहले, यू नो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ये 4,000-5,000 दिराम का भी था, बट आई डोंट नो नाउ दिस इज़ एक्सपेंसिव और नॉट, बट वो भी ऐसा ही था। एनवायरनमेंट अच्छा बनाया इन लोगों ने, वेरी नाइस, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, लेट्स सी। तो गाइज जो मेरे पीछे भी गेट है, ये वुड का गेट है, लकड़ी का, बट इट्स वेरी हैवी, इसको मैंने खोलने की कोशिश की बट खुल नहीं रहा है। आई थिंक इसका ये इलेक्ट्रॉनिक गेट है और ये ऐसे हाथ से नहीं खुलेगा, एंड इट्स रियली रियली हैवी। और इसके ऊपर लोगो बना हुआ है एक्सपो का, इट्स रियली नाइस। अभी मैं एक्चुअली लाइट यूज़ कर रहा हूँ ये जो इधर लगी हुई है, क्योंकि अभी डार्क हो गया है तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, यू नो, सो आई विल शो यू एज मच आई कैन, ओके।
तो गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ से तो कर लिया है फिनिश एंड इट वॉज रियली नाइस, इट्स वेरी क्लोज टू नेचर। जैसे हम लोगों ने अभी दो तीन वीडियो की है, हम लोगों ने दो तीन जगह हम लोग गए विजिट किया है, जैसे लव लेक था वो भी ऐसा ही कुछ था, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। ये भी मैन मेड है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्री एंड सैंड्स हैं, एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं जरूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, बहुत अच्छी जगह है यहाँ से विजिट करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, आप स्लीपर पहन के जरूर आएँ, क्योंकि अगर आप जूता पहन के आएंगे, शूज़ पहन के आएंगे तो आपको उतारना पड़ेगा, यू नो, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी जगह हैं, यहाँ पर आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा पानी से, तो आप अगर स्लीपर पहने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, यू नो इट्स वेरी इजी। और अगर आप नंगे पाँव आप चलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स हैं, यू नो लाइक छोटे छोटे, वो बहुत छुपते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया आज उन लोगों ने पत्थर्स ने। एंड यू नो लाइक यहाँ पर कांटे भी हैं कुछ कुछ जगह पे ना, लाइक कांटे भी हैं ट्रीज से नीचे गिरे हुए हैं, सो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू, सो इट्स बेटर कि अगर आप स्लीपर पहन के आते हैं दैट विल बी गुड। एंड यहाँ पर कुछ कुछ जगह हैं यहाँ पर लाइट है, यू नो, बट मोस्ट ऑफ द एरिया विदाउट लाइट है, इट्स वेरी क्लोज टू नेचर। आप यहाँ पर आकर यू नो डिनर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, इट्स रियली रियली ऑसम। मैं यहाँ पर अगेन आने वाला हूँ एक्चुअली, मैं यू नो कुछ दिन के बाद में, एंड आई थिंक जब भी तक एक्सपो स्टार्ट होगा तभी तक तो काफ़ी यहाँ पर क्राउड आना चालू हो जाएगा। यहाँ पर टिकट नहीं है, ये 24 आवर है यहाँ पर भी, और कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, आपको रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे अभी स्पेशली चल रहा है मास्क का, आपको मास्क पहनना पड़ेगा अगर ज़्यादा क्राउड है तो, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी कूल, वेरी नाइस प्लेस। ओके, एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बट रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।